चलिए लखीमपुर खीरी से ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से किसानों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था कि चीनी मिल का उद्घाटन जो है वो गृह राज्य मंत्री नहीं करेंगे, अजय मिश्रा नहीं करेंगे, लेकिन अब उसके बाद सरकार ने भी इस किसानों के विरोध को देखते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज बिलायत चीनी मिल और संपड़ा नगर चीनी मिल का स्थायी सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बनाए गए थे जी। जिसको लेकर के किसानों में खासा रोष देखने को मिल रहा था, और किसान कई तमाम किसान संगठन थे जिन्होंने डीएम से मिलकर के बोला कि अगर वहां पे क्या कहते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर उद्घाटन करेंगे तो हम अपना गन्ना जो है चीनी मिल को नहीं ले जाएंगे और सारी ट्रालियां जो है आपके डीएम ऑफिस में लगा देंगे आकर, जिसको लेकर के किसान संगठन तमाम किसान संगठन जो थे वो वहां पे मिले जा करके, और कई किसान संगठनों ने यही बोला है। और मंजीत सिंह जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे रालोद के, उन्होंने भी बताया था कि हमें फोन द्वारा जानकारी दी गई थी जिसमें चीनी मिल का उद्घाटन करने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आ रहे हैं, तो इसमें किसानों द्वारा जो है काले झंडे दिखाने की योजना थी जी। बिल्कुल गौरव, अगर अभी की बात की जाए तो अभी लखीमपुर खीरी में किस तरह के हालात है, क्योंकि 3 अक्टूबर को जिस तरह से हिंसा हुई लखीमपुर खीरी में, स्थिति वहां पर जो है बिगड़ती नजर आ रही थी, और एक बार फिर से किसानों की तरफ से अजय मिश्रा का विरोध किया जा रहा था आज के इस कार्यक्रम को लेकर, अभी स्थिति वहां पर कैसी बनी हुई है? देखिए, स्थिति तो सामान्य नजर आ रही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा चीनी मिल का उद्घाटन कराया जाता है, इसको लेकर के कार्यक्रम की जो भी रूपरेखा किसानों द्वारा तैयार की जाए, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन सकती थी दोनों पक्षों को लेकर के जी। और अगर गौरव सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि देखिए आज चीनी मिल का कार्यक्रम है उद्घाटन का, तो ऐसे में किसान तो वहां पर पहुंचेंगे ही, ऊपर से किसानों की तरफ से विरोध करने की भी जो है वो आशंका कहीं ना कहीं हो सकती है कि किसान आज भी विरोध जता सकते हैं, जिस तरह से पहले से ही कहते नजर आए थे कि अगर अजय मिश्रा वहां पर पहुंचेंगे तो विरोध करेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? तमाम किसान संगठन जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पे सीधे कहा है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा चीनी मिलों का उद्घाटन कराया जाएगा तो सारे देश के किसान जो है वो चीनी मिल को गन्ना नहीं देंगे, और लखीमपुर खीरी का तराई माने वाला क्षेत्र जो है कृषि प्रधान, पूरी तरीके से कृषि प्रधान है, इसको लेकर के किसान जो है अपना गन्ना नहीं लेकर के जाएंगे, ये तमाम बातें सामने आ रही थी। और एक हमारे जब हमारे इस पे क्या कहते हैं चीनी मिल जीएम से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा कहने इस समय बाहर हैं, और इस अब जो इस कार्यक्रम का जो भी कार्यक्रम होगा उसका उद्घाटन है डीएम साफ करेंगे जी। चलिए ठीक है गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में आज चीनी मिल का उद्घाटन होने जा रहा है, जहां पर तमाम किसान संगठन तो पहुंचेंगे ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन राकेश टिकैत ने और किसानों ने उनका विरोध किया कि अगर वो वहां पर पहुंचेंगे और उद्घाटन वो चीनी मिल का करेंगे तो ऐसे में किसान एक बार फिर से विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया कि ये कार्यक्रम जो है रखा तो गया, लेकिन साथ ही साथ अजय मिश्रा इस कार्यक्रम में वहां पर नहीं पहुंचेंगे।